जो 2017 के बाद मेरा नाम दीपक मल्होत्रा है। हमारे पास लिस्ट नहीं है, वो मिस आपको मिल सकती। मेरा नाम दीपक मल्होत्रा है। आज की जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम लोग सभी जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स हैं। 2017 में हमें जो है मेंबरशिप दी गई थी और मेंबरशिप का देने का जो भी प्रोसेस था वो कंप्लीट किया गया था। एप्लीकेशन फॉर्म, 5 साल की ITR और जो भी मेंबरशिप की रिकमेंडेशंस, ये सब करके हमने अपनी मेंबरशिप दी। और मेंबरशिप के बाद बकायदा हमें हमारे पेपर्स वगैरह सब चेक करके हमें मेंबरशिप दी गई। और उसके लिए हमें उसके बाद हमारे को प्रॉपर आई कार्ड भी इशू हुआ। आई कार्ड जो है प्रॉपर उनका सर्टिफिकेट भी इशू हुआ कि वी आर बोनिफाइड मेंबर ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। लेकिन आज अचानक थोड़े दिन पहले जो है हमें मैसेज आया कि भाई आप जो है आपके जो ड्यूज हैं वो आप जमा कराइए। जब हम ड्यूज जमा कराने गए तो हमें वहां बताया गया कि हमारे से वो ड्यूज नहीं लेंगे क्योंकि हमारे ड्यूज बनते नहीं हैं, क्योंकि हम इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वोटिंग नहीं कर सकते। जब कहीं उनसे सवाल पूछा गया तो उनके पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं था कि भाई आप हमारे को किस वजह से इस अपना वोटिंग राइट्स हमारे वापस लिए जा रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है कि और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो नए मेंबर बने हैं इनमें सब व्यापारियों को छोड़ के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और भी तबके के लोग जो है इस बारी चैम्बर में एंट्री ली है। प्रेस से भी हैं। और इन सबसे इससे क्या है कि डिफरेंट जगह से सभी लोग हम लोगों ने इकट्ठे होकर जो है ये डिसाइड किया कि आज अगर हम सबके राइट जो है, जो हमारा बेसिक राइट है वो हमसे छीना जा रहा है, तो हमें जरूर आप लोगों के माध्यम से गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमारे राइट्स हमें मिले और हमारे को वोटिंग राइट्स जो है हम सब जो नए मेंबर्स हैं हमें भी दिए जाए ताकि हम भी अपना वोट कास्ट करके अच्छे से मेंबर को चुन सकें।